good morning students students today we will revise the exercise work of chapter number one that is in blanks let's start so today we did in the blanks first is dash is an electronic device we know very well computer is an electronic device सेकेंड इज कंप्यूटर इज अ डैश थिंग कौन सी थिंग होती है कंप्यूटर कंप्यूटर इज अ नॉन लिविंग थिंग एंड द थिंग्स दैट हैव नो लाइफ और कॉल नॉन लिविंग थिंग्स हमें पता है जिसमें लाइफ नहीं होती है उन्हें नॉन लिविंग थिंग्स कहते हैं एंड वी नो वेरी वेल ऑल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस आर नॉन लिविंग थिंग कंप्यूटर भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है तो कंप्यूटर कौन सी थिंग हुई नॉन लिविंग थिंग ज कंप्यूटर हैज़ नो डैश कंप्यूटर में क्या नहीं होता है कंप्यूटर हैज़ नो माइंड बिकॉज अ कंप्यूटर वर्कस ऑन मैनस ऑर्डर क्योंकि जो कंप्यूटर होता है वो मैन की जो उसका यूजर है उसकी ऑर्डर पे उसके इंस्ट्रक्शन पे ही काम करता है फोर्थ इज इलेक्ट्रॉनिक डैश आर यूज इन होम ऑफिस एक्सेट्रा बच्चों मैंने आपको बताया था कह यूज होती हैं इलेक्ट्रॉनिक या डिवाइसिस कहाँ कहाँ यूज होती हैं होम में ऑफिसिज में सो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस आर यूज इन होम ऑफिस एक्सेट्रा फिफ्थ इज कंप्यूटर कैन नॉट डैश इट्स सेल्फ कम्प्यूटर अपने आप क्या नहीं कर सकता कंप्यूटर कैन नॉट वर्क इट्स सेल्फ बिकॉज अ कंप्यूटर कैन नॉट टेक हिज ऑन डिसीजन इट्स टोटली डिपेंडेंट ऑन यूजर ये क्या होता है ये यूज़र पे डिपेंडेंट होता है कोई अपने आप डिसीज़न नहीं ले सकता ना ही अपने आप कोई काम कर सकता है टुडे योर होमवर्क इज़ यू हैव टू डू दिस फिलअप इन योर नोटबुक थैंक यू एंड हैव अ गुड डे